हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट क्लास। मैं हूं आरती गुप्ता और आज हम बनाने जा रहे हैं एक अलग टाइप का आर्टवर्क, जिसके लिए हमें चाहिए एक बोर्ड। MDF का बोर्ड है ये और ये 12 इंचेस का है। आप अपनी चॉइस से इसका साइज़ ले सकते हैं। मेक्रम का थ्रेड चाहिए आपको और उससे आपको अपने MDF बोर्ड को यहाँ कवर करना है। आप देख सकते हैं मैं फेविकॉल की हेल्प से मेक्रम के थ्रेड को गोल गोल कर देखिए इस तरह से स्पाइरल करते हुए इसको पेस्ट कर रही हूँ अपने बोर्ड पर। तो ये जो बोर्ड है वो आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, अमेज़ॉन से ले सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई लोकली फ्रेमिंग वाली शॉप है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये आपको अराउंड 50 रुपीज़ पर पीस मिल जाते हैं। ये देखिए, ये हमने पूरा का पूरा थ्रेड अपने बोर्ड पर लगा लिया है। अब हमें इस पर पेंसिल से ड्राइंग करनी है। आप अपनी चॉइस की ड्राइंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग ड्रॉ की है। पेंट करने के लिए मैं यहाँ पर चॉक पेंट्स का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉक पेंट नहीं है तो आप एक्रेलिक पेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। दोनों ही मेक्रम थ्रेड पे बहुत अच्छा लुक लेकर आएंगे। तो कलर्स फिल करते हैं तो उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट हो। कलर चॉइस आप बहुत ध्यान से कीजिएगा और प्यारे प्यारे से कलर्स इस पर फिल करके आपको बहुत सुंदर से एक पेंटिंग रेडी करनी है। थोड़ा ज़्यादा कलर अप्लाई कीजिएगा क्योंकि थ्रेड है और कलर को ज़्यादा वो सोख करता है। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड में ब्लू कलर लिया है जो वाटर को डिपिक्ट करेगा। और इसी तरह से मधुबनी पेंटिंग के अलावा आप यहाँ पर पिचवई आर्ट भी ले सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। देखिए, इस पर मैंने डार्क ब्लू का यूज़ किया है लाइट ब्लू के साथ, ताकि हमारा लाइट ब्लू जो है वो काफ़ी अच्छा सा निकल कर आए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पिचवई यूज़ कर सकते हैं, मधुबनी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से आप और भी इंडियन फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं इस तरह के आर्टवर्क पर। मैं भी और जो मैंने बोर्ड्स परचेज़ किए हैं, मैं ट्राई करूँगी कि उस पर भी मैं आपको सेम टेक्निक से अलग अलग पेंटिंग्स बनाकर दिखाऊं। और इन पेंटिंग से मैं अपनी वॉल को डेकोरेट करने वाली हूं। उसका वीडियो भी हम जल्दी से अपलोड करेंगे जब हमारे सारे आर्टवर्क रेडी हो जाएंगे। तो चलिए फिश में कलर कर लेते हैं। और इसमें भी मैंने यहाँ पर काफ़ी ब्राइट कलर लिया है, येलो कलर, ताकि इन सब कलर के कॉम्बिनेशन से ये पेंटिंग बहुत ही एक ब्राइट और इंडियन लुक दे। तो काफ़ी इंडियन कलर्स का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप थीम कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी पेंटिंग बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप सिंपल इसमें लोटसेस ड्रॉ कर सकते हैं, या आप ग्रीन बनाना लीव्स या फिर कोई भी लीव्स का इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिंपल पेंटिंग्स भी इसमें बहुत सुंदर लगती हैं। बॉर्डर के लिए मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है। यहाँ पर ग्रीन के साथ मैं रेड का कॉम्बिनेशन लूँगी। कलर चॉइस बिल्कुल आपके ऊपर है। जो कलर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं अपनी चॉइस से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप इस पर लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए और एक कलर दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करें। चलिए अब रेड कलर अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। और इसके साथ ही मैं रेड के अंदर येलो का यूज़ करूँगी लास्ट में। और इसके बाद हम लोग इस पर और भी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक अब जैसे मैं लास्ट में इस पर थोड़ा सा मिरर वर्क करूँगी। आप पर्ल से वर्क कर सकते हैं, जो हाफ़ कट मोती आते हैं हमारे, हम लोग उससे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। या फिर आप 3D आउटलाइनर का यूज़ कर सकते हैं, जो हॉबी आइडियाज़ के हमें मिल जाते हैं। अभी मैं लोटसेस को पेंट कर रही हूँ, यहाँ पर जो लोटस है हमारे पास। और पिचवई में जैसा कि आपको पता है कि लोटस बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं, तो आप वो भी पूरे इस आर्टवर्क में ही लोटस बना सकते हैं। इसी तरह से और भी छोटी छोटी सी पेंटिंग्स मैं बना के दिखाऊंगी, लाइक काऊ इसमें बहुत सुंदर लग सकती है, या फिर इसमें कोई सीनरी भी बहुत प्यारा आपको लुक दे सकती है। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर ड्रॉ क्या कर रहे हैं। बस कलर्स जो हैं वो मैं यहाँ पर इसीलिए इंडियन थीम को लेके चलती हूँ, क्योंकि ये जो हमने बनाया है यहाँ पर थ्रेड को लेके, इसमें कलर बहुत अच्छे से निकल कर आते हैं और हमारे इंडियन ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से ये दिखा सकते हैं। सारा कलर फिल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पर हम किस तरह से मिरर वर्क करेंगे।
कलरिंग कंप्लीट हो गई है, तो थोड़ा सा हम इसको आउटलाइन कर लेते हैं ताकि सारी डिटेलिंग अच्छी से हो जाए। और आप पतले ब्रश का यूज़ कीजिए इसमें डिटेलिंग देने के लिए। और हाँ, अगर आप यहाँ पर ब्लैक से आउटलाइनिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वाइट से आउटलाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लुक देती है। और मैं इसमें थोड़ा सा वाइट का यूज़ भी करूँगी आफ्टर ब्लैक कलर। और अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। हम इसे फेसबुक पर भी अपलोड करते हैं, यूट्यूब पर भी और इंस्टा पर भी। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टा हैंडल है @craftclassaartigupta, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं नए नए अपडेट्स के लिए। देखिए, जब हमने फ़िश के फीचर्स बना दिए हैं तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है। इसी तरह से पीकॉक भी इस पर बहुत सुंदर लग सकता है। मैं डिफरेंट थीम्स ट्राई करूँगी इस पर, और आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको दिखाऊँगी कि हम लोग और क्या क्या इस पर बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम वाइट कलर का यूज़ भी करेंगे, और यहाँ मैं वेव्स को दिखाने के लिए वाइट कलर लगा रही हूँ। इस तरह से आप वेव्स बना सकते हैं, और जहाँ जहाँ आपने ब्लैक अप्लाई किया उसके साथ साथ आप एक आउटलाइनिंग वाइट की भी दे सकते हैं। जहाँ जहाँ भी आपको और लगता है कि आपको थोड़ी सी डिटेलिंग देनी है, वहाँ वहाँ आप इसको अप्लाई कीजिए। वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है, इसमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स बहुत अच्छे निकल के आते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप छोटा पीस लेते हैं MDF बोर्ड का, तो आप कोस्टर्स बना सकते हैं इस तरह से, इसी मैक्रेम के थ्रेड को रोल कर, और उस पर आप कोई पेंटिंग बना सकते हैं और आपके कोस्टर्स रेडी हो जाएंगे। आप कार चार्म्स भी बना सकते हैं छोटे पीसेस लेकर, 4-4 इंच के जो आपको सर्कल्स मिल जाएँ अगर MDF के, तो उस पर बहुत सुंदर लगते हैं वो, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, ऑलमोस्ट हमारी आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब थोड़ा सा हम इस पर मिरर वर्क करेंगे। ये देखिए, ये हमारा पेंटिंग पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब डेकोरेशन पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले हम वार्निश कर लेते हैं इस पर, ताकि हमारी पेंटिंग जो है वो अच्छे से इसको फिनिशिंग मिल जाए और ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। आप मार्केट में डिफरेंट टाइप की यहाँ पर वार्निशेस मिल जाती हैं, आप कोई भी वार्निश ले सकते हैं। मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की थी। और ये देखिए, इस तरह से मेरे पास ट्रायंगल शेप के कुछ मिरर्स हैं, और कुछ मैं यहाँ पर टीयर शेप के मिरर्स का यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल वाले मिरर्स लगा लेते हैं बॉर्डर्स पर। ये देखिए, यहाँ पर मैंने टीयर शेप के मिरर्स का यूज़ किया, सर्कल मिरर्स का यूज़ किया, ट्रायंगल मिरर्स का यूज़ किया है, और हमारी पेंटिंग बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के आर्ट पीसेस को, होम डेकोरेशन आइटम्स को सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।